हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कोचिंग टिप्स में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड सहायक अध्यापक के बारे में। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त का एक नया अपडेट आ चुका है, यानी कि ब्रेकिंग न्यूज़ आ चुका है झारखंड सहायक अध्यापक के लिए। ठीक है, यानी कि कल के वीडियो में मैंने बताए थे, तो दोस्तों कल के वीडियो में मैंने बताए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आज ही के डेट में जो है कि एक बैठक होने वाली, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया था कि कल्याण कोष में शिक्षकों के अंशदान को लेकर 3 अक्टूबर को बैठक होगी। ठीक है, यानी कि आज जो है कि 3 अक्टूबर है, तो कल्याण कोष को लेकर जो है कि 3 अक्टूबर यानी कि आज के डेट में जो एक बैठक हो रहा है, अभी जो बैठक अभी जारी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कल के वीडियो में मैंने बता चुके थे कि एक बैठक होने वाला है। ठीक है, तो उस बैठक में आपका क्या हुआ है क्या नहीं, मैं आप लोग को बताने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अभी बैठक जो है कि जारी है, यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है कि बैठक अभी जारी है ईपीएफ पेंशन वेतनमान और कल्याण कोष की राशि को लेकर। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है कि टेट पास पारा शिक्षकों ने किया विरोध। ठीक है, तो क्या है अपडेट मैं आप लोग इस वीडियो में बताऊँगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक बने रहे, वीडियो अच्छा लाइक कमेंट शेयर जरूर कीजिए, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर और नोटिफिकेशन को ऑन कर, ताकि इस तरह की जो भी अपडेट आएगा आपके चैनल पर देखने को मिल जाएगा अभी सबसे पहले। तो मैं आप लोग को बता देता हूँ कि अभी जो है कि इसका मीटिंग यानी कि बैठक अभी भी जारी है या बैठक में क्या हो रहा है। तो जैसा कि दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दिया गया है कि यहाँ पर आपका मीटिंग किया जा रहा है कल्याण कोष को लेकर, यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सारा कुछ यहाँ पर मीटिंग किया जा रहा है। इस मीटिंग में आपका क्या हो रहा है, यानी कि बैठक में जो एक जानकारी मिली है कि टेट पास संघ ने एक लिखित विरोध जताया, यानी कि एक लिखित आवेदन दिया गया है और लिखित आवेदन देकर जो है कि टेट पास संघ वहाँ से निकल गए हैं। बाकी सब जो है जो यहाँ पर मौजूद है वह यहाँ पर आपका मीटिंग किया जा रहा है, अभी भी मीटिंग जारी किया गया है। ठीक है, यहाँ पर कौन कौन मौजूद है, यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है कि यहाँ पर जो मौजूद हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि टेट पास संघ के प्रतिनिधि मौजूद, बीआरपी सीआरपी के प्रतिनिधि मौजूद और कस्तूरबा गांधी के संघ के प्रतिनिधि यहाँ पर मौजूद है, यहाँ पर आपका मीटिंग किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है कि खबर आ रहा है कि सुनने को कि झरीलाल महतो के जो गुट ने उसने लिखित रूप से विरोध जताया गया है। ठीक है, यही आप लोग को, इतना ही आप लोग को इस वीडियो में जो है कि आपको अभी तक जानकारी मिला है कल्याण कोष को लेकर और वेतनमान को लेकर। तो अभी जो भी नया अपडेट, जो भी नया खबर आएगा मैं आप लोग को बताता रहूँगा। ठीक है, तो अभी तक जो है कि फिलहाल इतना ही आप लोग का अपडेट आया हुआ है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर की ताकि सभी को पता चल सके। अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन कर, ताकि इस तरह का अपडेट आपको इस आसानी से मिल सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, अभी तक जो भी आपका खबर आएगा मैं आप लोग को इस चैनल के माध्यम से आपको बताता रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।